नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के यंत्र साधना के बारे में, क्योंकि ये साधना सहज है, सरल है और हर व्यक्ति इसे कर सकता है। हर गृहस्थी को इसे करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। इससे आपका जो है पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, आपका जो है धन संपदा मान सम्मान प्राप्त होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और इसको जो है आप अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भी लगा कर रख सकते हैं और घर पे पूजा स्थल पर भी इसको जो है स्थापित कर सकते हैं। तो ये हर प्रकार से जो है शुभ फल देने वाला और सरल और सहज साधना है, सात्विक साधना है, इसलिए जो है इसे हर व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन पहले जो है मैं थोड़ा सा भगवान राम के संबंध में भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो हमारे जो भगवान राम हैं वो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो है सातवें स्थान में आते हैं, जो है ये पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। संस्कृत में इनका जो महाकाव्य है वो रामायण नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस रामायण को जो है जब तुलसीदास जी ने लिखा तो ये रामचरितमानस के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया और उसी समय से जन जन में राम राम नाम जो है प्रसिद्ध होने लगा। ये अयोध्या के जो राजा थे दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे और माता जो है लक्ष्मी का जो अवतार है माता सीता, उनके ये पति थे। इनके जो है भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जो थे इनके बड़े बहुत बड़े भक्त थे और रावण का इन्होंने जो है वध किया था। राम जो है रघुकुल राजा रघु के वंश में जन्मे थे और ये यहाँ इनकी जहाँ परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इसलिए वो अपने वचनों के लिए, अपने पिता को दिए गए वचनों के लिए इन्होंने जो है स्वयं को जो है जंगल में जो है 13 वर्ष का वनवास ले लिया था, क्योंकि इस वंश की परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और धीरे धीरे ये वहाँ जा कर के फिर ये इन्होंने भगवान जो है भगवान ने वहाँ जा कर के रावण का वध किया और दुराचारियों से जो है मुक्त कराया। अच्छा, इनके जन्म के समय में जो एक विवरण आता है मैं वो बता देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इसको जो है वैज्ञानिक पद्धति से निकालने की कोशिश की गई है। तो जो वैज्ञानिक और प्लेटेरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार जो है भगवान राम का जो जन्म है वो 10 जनवरी 7393 ईस्वी पूर्व हुआ होगा। यह गणना जो है हिंदू काल गणना से मेल खाता है, किंतु जिस आधार पर यह गणना की गई है वह ग्रह नक्षत्रों की वही स्थिति निश्चित समय अंतराल पर दोहराई जाती है और सॉफ्टवेयर द्वारा निकाल गया दिनांक सबसे अधिक निकट से संदर्भित है। अतः इस समय से बहुत पूर्व भी का भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू काल गणना के अनुसार भगवान राम जो है वो त्रेता युग में पैदा हुए थे, जो लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रामचंद्र जी का जो दिन जन्म का जो दिन था उसमें 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे और 9वीं तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की पुनर्वसु नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। इनके अनुसार सूर्य मेष लग्न में और मंगल मकर में, बृहस्पति कर्क में और शुक्र मीन राशि में, शनि तुला राशि में रहा था। तो वाल्मीकि और तुलसीदास ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है कि राम का जन्म जो है मध्यान्ह में हुआ था और पीवी प्रवर्तक के अनुसार वाल्मीकि रामायण की परिस्थितियों में राम जन्म को लेकर दोपहर जो है 12:25 का समय बताया जाता है। ये आपको जो है सहज रूप से इसका ज्ञान नहीं होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। और इस पर एक श्लोक भी है, वो लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धावा,
पावन काल लोक विश्रामा। तो ये उनके जो है जन्म के ऊपर जो है लिखा गया है। तो ये तो है भगवान रामचंद्र जी हमारे। तो लेकिन अब इनकी साधना, यंत्र साधना किस प्रकार की जाए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इनका जो है मंत्र है, बीज मंत्र जो है जिसकी आपको साधना करनी है, वो है राम रामाय नमः। और इस मंत्र की साधना के लिए आपको जो है 21 दिन तक आपको लगातार 21 माला का जाप जो है आपको करना है। अब माला वही रहेगी आपकी रुद्राक्ष की, और इसके बाद जब 21 दिन हो जाएं तो फिर आपको इसको जो है यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर देना है, या फिर अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में इसको रख देना है, और रोज जो है एक माला का जाप करते रहें, जिससे ये जो है यंत्र जो है जागृत बना रहे। आपको करना क्या होगा इसके लिए, चैत्र शुक्ल की नवमी जो होती है, जिसे हम लोग रामनवमी के नाम भी जानते हैं, चैत्र पक्ष आता है उसमें जो है नवमी की तिथि होती है, उस दिन आपको भोजपत्र पर जो है सफेद चंदन या फिर जो है आप केसर की स्याही से जो है इस यंत्र को बना लेंगे, ठीक है। और लिखने के लिए जो है आप अनार की टहनी का प्रयोग करेंगे, अनार जो मिल जाएगा, अनार की टहनी वो काट लाइए, उसके उससे जो है आपको केसर से या सफेद चंदन से ये यंत्र लिखना है और बनाना है। यंत्र चाहे किसी भी पत्र का हो, लेकिन स्थापना से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तो इस पर जो है प्राण प्रतिष्ठा आप कर लीजिए, ठीक है। और इस यंत्र को आपको एक शुद्ध एकांत में पूरी श्रद्धा के साथ श्वेत वस्त्र के आसन पर प्रतिष्ठित करना है। नीचे जो है जो बाजोट होगा, बाजोट के ऊपर आप सफेद कलर का जो है कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर इस यंत्र को स्थापित करके फिर इसकी जो है पूजा दर्शन आपको कर लेंगे। मैं आपको यंत्र डाल दूंगा कि यंत्र किस प्रकार का है, वो यंत्र मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और उसको देख के आपको बना लेना है, स्वयं बना लीजिए। और ये साधारण साधना है, इसलिए जो है इसमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, और आप स्वयं इसको कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है इसको। करना कैसे, साधक जो है स्वयं स्नान से निवृत्त होकर, मतलब आप नहा वहा लें, उसके बाद आप श्वेत कपड़े पहने, ठीक है, और वस्त्र के नाम पर आप धोती को ही पहने, ठीक है, यहाँ पे धोती ही पहनी जाएगी और कोई उस तरह का कपड़ा नहीं पहना होगा जो बना हुआ सिला हुआ, क्योंकि सिला हुआ कपड़ा यहाँ पर पहनना वर्जित है। फिर जो है आसन पर बैठकर यंत्र को नमस्कार करके जो है आपको जो है 21 माला मंत्र का जाप करना है, और ये रोज जो है उसी समय पर, चाहे आप सुबह का समय ले लीजिए और चाहे शाम का ले लीजिए, वैसे सुबह ज्यादा उत्तम माना जाता है, सुबह का समय इसके लिए ज्यादा उत्तम है। आप उस समय आप 21 माला इसका मंत्र जाप करेंगे 21 दिनों तक, उसी समय रोज करेंगे। इसके बाद जब आप स्थापित कर देंगे यंत्र को, तो आप रोज केवल एक ही माला जपिए आप, उसके बाद सहज रूप में सहज साधना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो भगवान विष्णु के सभी अवतारों में राम जी की जो है प्रतिष्ठा जो है सबसे ज्यादा है, और इनकी जो है साधना से जो है आपको ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जो लौकिक जीवन की लोग कामना रखते हैं, उनके लिए ये जो है इनकी साधना जो है वैभव और संपन्नता प्रदान करती है, और इससे दुख दारिद्रता का नाश होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सहज साधना है और प्रत्येक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए, और अपने सिद्ध यंत्र को जो है स्थापित कर लेना चाहिए वहां पर। तो ये थी भगवान राम की यंत्र साधना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।